देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है एक लड़का और कोई पूछा था कि यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि ए बी सी के आमों 5:3:2 के अनुपात में खरीदे, कोई ऐसे 3 पर्सन है जो आम को रेशियो में खरीद रहे हैं, 5:3, 3:2 खरीदे। यदि ए और बी के आमों का अंतर 60 हो तो बी तथा सी के आमों का अंतर ज्ञात कीजिए। इससे पहले जो लड़का पूछा उसमें बताया गया था कि वहां पे यही क्वेश्चन मुझे याद आ रहा कि PQR के रूप में चल रहा था और यहां पे ऑप्शन लगाते हैं। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन होते हैं ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि जब ऐसे रेशियो होते हैं तो रेशियो आप तमाम क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, कराया गया है कि डायरेक्ट आप लिख दीजिए 5x, 3x एंड 2x ऐसे लिख लीजिए। ए और बी, पहला हमारा ए है, बी है और सी है ठीक है। कह रहा कि ए और बी का अंतर, इन दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है, 60 आ रहा है राइट, 60 लिख दिया। फिर पूछ रहा है कि क्या बी तथा सी के आमों का अंतर, तो जब इनके बीच की किसी का अंतर है, अब बी और सी के अंतर पूछ रहा है, यानी इन दोनों का डिफरेंस का पूछ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, यानी 3x-2x ठीक है। फिर यहां हो जाएगा आपका ये 60, यहाँ कितना x इक्वल टू, यहाँ पे 60 आ जाएगा, ये हो गया 60 ठीक। तो आपका यहाँ पे 60 आ जाएगा आमों का अंतर, कन्फर्म। यही सवाल यहां से आ गया इतना पे। यदि मैं कहता कि नहीं इसी क्वेश्चन को आप क्या करिए यहाँ पे माइनस कर लीजिए, 5x में 3x है तो 2x इक्वल टू कितना आता आपका, यहाँ 60 है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं तो x इक्वल टू यहाँ पर जाए 2×3 = 6 30 होता है, 30 इसमें दिया। लेकिन यहाँ पे क्या BC का डिफरेंस पूछ रहा है, तो B और C यही है, यहाँ पर लाके x का मान यहाँ पे यहाँ पर रख के फिर माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ पे देखिए 30 × 90 यहाँ लिखिए 90 हो जाता, अब माइनस यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू कितना आपका क्या है 30, फिर 30 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 60, तब कितना आता है यहाँ पे आपका 30 में 60 जाए कितना आता आपका 30, तो 30 इसमें दिया नहीं गलत हो जाता। तो मेथड एबी से है, एबी से, लेकिन गलत कहाँ हो रहा है, क्वेश्चन आपको समझने वाले में आपको अच्छे से दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन क्या है। जब रेशियो दिया रहे और जब अंतर की बात किया जाए, जब रेशियो दिया रहे तो जो पहला का अंतर रहेगा फिर दूसरा का अंतर या तीसरा का अंतर, तो जितना अंतर है वही जो है अगला के लिए अंतर होगा, क्योंकि जब रेशियो में आप दे रहे हैं तो सबके लिए रेशियो बराबर होगा ना, समझने वाली बात यही है ठीक। तो इस तरह से आपका बेटर तरीके से हो जाएगा आंसर ठीक है। तो यू आर गोइंग टू दैट, यहाँ पे आपका 60 हो जाएगा। लेकिन इसी सवाल को मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर दूँ, चेंज कर दूँ, चेंज ये मैं करूँ कि अच्छा ये बताइए तब यहाँ पे ए और सी के आमों का अंतर, ए और सी के आमों का अंतर कितना होगा, यानी ए और बी का अंतर 60 दिया है तो बी सी का भी हमारा क्या होगा, 60 होगा ठीक है। तो 60 पे यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, उसी की इक्वल 60 लग जाएगा, ए बी इक्वल टू 60 है माइनस अंतर करने पे, तो बी सी का भी क्या होगा, 60 होगा, इस तरह से हो जाएगा, कॉमन भी सेंस लगाएंगे। लेकिन यदि मैं यही क्वेश्चन कहूँ ए और सी का डिफरेंस तो कितना होगा, तो आप सोचिए यही आपका सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या पूछ रहा है, ए और सी के आमों का अंतर। अब इसके जगह हम यदि ए लगा देते हैं बी की जगह, ए और सी के आमों का अंतर, तो यहाँ क्या लिखते हैं, ए हमारा कितना 5x और सी, सी का 2 है ये वाला जगह -2x ठीक। तो इसको हम तो 60 है तो यहाँ भी 60 होगा,
फिर आप पाइनस करते हैं 3x इक्वल टू आपका 60, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20, ठीक है। ये और c की तब कितना था आपका यहाँ पे 20 हो जाता, तब आप इस पे लगा देते। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से जब तक आप करेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाएंगे। चलिए एक और भी इसमें कंफ्यूजन आपके लिए हम पैदा कर दे रहे हैं, लेकिन सोचना आपको पड़ेगा। इसी क्वेश्चन को यदि सॉल्व करते हुए आप आए कि मान लीजिए यही क्वेश्चन मैं कहूं, ठीक है, कि ए बी सी 5:3:2 के अनुपात में खरीदता है, ए और बी के अमुक अंतर 60 है, तो ए और सी का अमुक अंतर ज्ञात करना है। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन देखिएगा, यहां से ए बी सी एक जगह कितना 5 है, तो 5 हो जाएगा 5x, बी की जगह कितना आपका 3x, और सी की जगह कितना आपका 2x, ठीक। अब इन दोनों का डिफरेंट ऐसे हो जाता माइनस, इन दोनों का डिफरेंट होता 60 दे रहा है, इसमें से माइनस करते हैं 2x इक्वल टू जो उधर आपका आता 60, तो यहाँ कितना आ जाता आपका 30 आता, x इक्वल टू 30, ठीक। अब सोचिए, तो जब और BC का पूछे है कि इसका इसका डिफरेंस कितना होगा, BC का तो आप रख दिए थे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि AC का डिफरेंस पूछ रहा है, AC का डिफरेंस, तो A और C A की ओर कितना जाएगा 3x, सॉरी A की है यहां पे 5x, और यहां पर आपका C के कितना आपका 2x, यहाँ पे भी आपका कितना होना चाहिए था 60, लेकिन 60 हम नहीं रखते हैं इस क्वेश्चन में, नहीं रखते हैं, जैसे रेशियो में रखा 60 हमने रखते हैं, लेकिन एक्स की ओर भी यहाँ पर रख के माइनस कर तो देखें कितना था, देखिए यहाँ पे आपको हो जाएगा 5 × 30 और −2 × 30, देखिए कितना 5×15 150 आ जाएगा 2×6, ठीक है। तो बताइए ना माइनस कर लीजिए कितना होता है आपका 90, नब्बे, देखिए मैं 90 मिला, लेकिन आपका जो सॉल्यूशन सही है, तो ये कहीं ना कहीं आपको ये चीजें बारीकी से ध्यान देना है कि आपको क्या लिख करना है। रेशियो में यदि पूछ रहा है तो रेशियो में यदि पूछ रहा है तो सिंपल सा आपको क्या करना होगा कि जितना अंतर है वही अगला के बराबर होगा, फिर वही अगला के बराबर होगा, ठीक है। तो वहां पर आपको अधिक से अधिक जो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डिफरेंस जो पूछा उसी को लेकर उसमें माइनस करके डिवाइड कर दीजिए, 10 योग के टोटल आंसर क्लियर, ठीक है। आप इसी क्वेश्चन को आप मैं बोर्ड वालों के हिसाब से बताऊं, जो बच्चे मान लीजिए फाउंडेशन पे हैं बोर्ड के लिए, ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अब यहां पर इसी वाला लेक्चर कि यहां पे माना कि ए के पास कितना 5x हो गया, इसी तरह बी के लिए 3x एंड सिमिलर यहां पे जाएगा 2x, ऐसे रेशियो वाला लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ए और बी के आमों का अंतर 60 है, ठीक है, यहां कितना जगह पर इन दोनों का अंतर 5x − 3x = 60 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर। अब इसी तरह आपका दूसरा ए और सी के आमों का अंतर
ए का कितना आपका पांच है, ए और सी पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख लेता है इसके ए और सी, ए की वैल्यू कितना आपका पांच है माइनस, यहाँ पर सी की वैल्यू टू एक्स इक्वल टू कितना हो जाए, यहाँ भी 60 होगा। रेशियो में रखा तो जो भी अंतर आता है वही लिखते अंतर्वाह। यही आपके मेन पॉइंट है, इसी समझना। अब देखिए 5x माइनस 2x कितना आ जाएगा यहाँ पे 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 60, डिफरेंस लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3 2 यानी x का मान यहाँ तक कितना आ जाएगा 20। कन्फर्म आप इसको नहीं बनाते यदि यही क्वेश्चन जो डाउट वाला है आपको दूर करने के लिए, यदि यही इक्वेशन आप नहीं बनाते तो आप क्या लेते हैं, हम इसमें से माइनस कर लेते 5x में से 3x जा, तो 2x इक्वल टू कितना आता आपका 60, इसे डिवाइड कर लेते तो x इक्वल टू कितना आता 30। अब ये 30 a और c के लिए पूछ रहा है, तो a की जगह कितना आपका 5x है अंतर पूछ रहा है, और c के लिए यहाँ पे है 2x। अब इसमें रखिए 3 5 15 150 का 3 2 6 90 हो जाता। तो यही जो है जो कंपटीशन में बैठते हैं बच्चे उनके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन सब समझ में आता है, लेकिन जल्दीबाजी में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं, बाप रे बाप ऐसा क्वेश्चन वो घुमा दिया, नहीं ध्यान से समझे बोर्ड को चले गए, जो ऑर्गेनाइज करा रहा है उसके पास चले गए, ये क्वेश्चन आपने गलत दिया लाग दे दिया। देखिए कैसे गलत है, आप देखिए अरे यार ऐसा भी है लेकिन रियलिटी से। तो कहीं ना कहीं इस पर आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा समझिएगा, ठीक। चलिए इसी रेशियो पे एक और ये क्वेश्चन जो है उठाया जा रहा है बड़े स्तर पे, आप ध्यान देंगे पहले नॉर्मल तरीके से देखेंगे फिर इसको शॉर्टकट तरीके से हम देख सकते हैं। शॉर्टकट क्या है, वही है लॉन्ग वाले को शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शादी की पार्टी में औरतों और आदमियों की अनुपात कम से कम रेशियो 2 है, जब 4 औरतें और 6 आदमी चले जाते हैं तब अनुपात 4:9 का हो जाता है, तो पार्टी में कुल कितने लोग थे। इट मीन्स कि ऐसा कोई बहुत से लोग पार्टी भी अटेंड करते हैं, इसी कितने लोग अटेंड किए होंगे, ठीक है। तो इन अ फंक्शन देर इज द सम द मैन एंड फीमेल, ऐसे जो है मैन फीमेल एक तरह से पार्टी को अटेंड कर रहे हैं, एंड गिवन द रेशियो 1:2 इफ द देर इज द आउट ऑफ द नंबर ऑफ द फीमेल इज द 4 एंड मेल इज द 6 आउट ऑफ या बाहर हो जाते हैं निकल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे इनका रेशियो हो जाता है आफ्टर द आउट मेल फीमेल्स वी गिव दैट इन द रेशियो 4:9 देन हाउ मेनी और टोटल नंबर, इट मींस मेल फीमेल कुल कितने वहां पे थे, ठीक है। आजकल का एक ट्रेंड भी है, सलमान खान वो जो है कोई अपना प्रोग्राम चलाता है तो उसमें पार्टिसिपेट लोग करते हैं, अंत में जो बचता है उसको विजेता माना जाता है, कि लोग बाहर कर देते हैं ऐसा कुछ आता है। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और यही सब चीजें आपके बोर्ड में बोर्ड लेवल पे भी क्वेश्चन उठा लिए जाते थे, मीन्स बोर्ड में जो फाउंडेशन की बात करते हैं। तो एक शादी की पार्टी में औरतों और आदमियों की क्रमशः अनुपात, देयर इज द वो मैन के लिए 1 है एंड मैन के लिए कितना है आपका 2 है। तो हम सपोजिंग दैट यस ऐसे माना कि सपोज दैट लेट नंबर ऑफ यहाँ पे फीमेल x हो गया एंड नंबर ऑफ मेल्स के लिए कितना हो जाएगा फिर 2 यस, ठीक। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें से ये अगर कि नंबर ऑफ द फीमेल 4 एंड नंबर ऑफ द मेल इज द 6,
इज गोइंग टू आउट, बाहर निकल जा रहा है, जा रहा है। तो ऐसे में क्या हो गया यहाँ पे, इसमें आप ऐसे माइनस कर दीजिए 4, इसमें माइनस कर दीजिए 6। अब इन्हीं का जो है रेशियो कितना आ रहा है, 4/9, एक्स माइनस 4, 2x माइनस 6 इक्वल टू कितना आ रहा है, 4/9। ये क्लियर कर रहा है, देखिए बाहर निकलने के बाद इतना आ जाए तो इसी की इक्वल हो। क्वेश्चन के दो बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं यदि 2 कॉमन लेता हूँ, ठीक है, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 9 × 9x, 9 × 4 = 46 इक्वल टू 4 × 2 = 8x, यहाँ पे 4 × 6 = 24, ठीक है। तो अब बताइए इसको आप इधर कर लीजिए एंड इसको इधर कर लीजिए, ठीक। अब बताइए 9x में से यदि 8x आप माइनस कर लेते हैं तो कितना आएगा आपका, ओनली x हो जाएगा, राइट। एंड इसको इधर कर लीजिए प्लस 36 हो जाएगा। तो 36 में से आप जो है 24 माइनस कर दीजिए तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, ये आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, कंफर्म। तो ये हमारा कितना है नंबर क्या है x में, यहाँ पे x, इसमें आप ये डिसाइड अभी नहीं कर पाएंगे कि मेल फीमेल, आप नंबर मेल फीमेल की बात करते हैं तो इसमें जो है आप माइनस कर लीजिए कि x फीमेल के लिए कितना था, यहाँ पे रखना पड़ेगा, इसको ला इसमें रख दीजिए। तो 12 में से आपका 4 जाए कितना जाएगा, 8 हो जाएगा, फीमेल हो जाएंगे, मेल कितना हो जाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 × 24, और 24 में से आप 6 क्या कर देंगे माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा आपका नंबर ऑफ मेल आपका 18 हो जाएगा, ठीक। आप यहाँ करें पार्टी में कुल कितने लोग थे, ऐड कर लीजिए कितना ऐड हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 × 8 = 16, 26 लोग यहाँ पे थे, ठीक है। और 4/9 ratio में लोग निकल गए, ठीक है। तो ये चीज उसमें ऐड करना, तो यानी 6 × 6 = 10, ये जो 4 ये हो गए और 6 ये हो गए, ऐड कर दीजिए कितना जाएगा 36, यानी कुल कितने लोग थे पार्टी में, कुल लोग थे 36। निकलने के बाद पूछा जाता तो 26, निकलने के बाद तो 26 हो जाता, निकलने से पहले कुल कितने लोग थे पार्टी में, कुल लोग देखिए थे यहाँ लिखना पड़ेगा, तभी कितने थे, तब का ये हो जाएगा आपका 36, समझ में आ गई। तो इस तरह से आप जो है बेसिकली ध्यान देंगे कि कितना दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे में आप सॉल्व करेंगे, यस यू गेट द राइट आंसर, ठीक। चलिए देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये भी आपके रेशियो पे है, ढूंढ ढूंढ के जो क्वेश्चन आपके लिए लगाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है और बढ़िया से बढ़िया कर ले जाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, एक थैले में 90 रुपए के सिक्के हैं, 90 रुपए के सिक्के हैं, यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के रेशियो 2:3:5 के अनुपात में हैं, तो थैले में 25 सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ये आपको निकालना, ठीक है। यार क्वेश्चन इधर सेइंग दैट इन द ए पॉकेट है विच हैव दैट 90 रुपीज ऑफ द फाइन्स, ठीक है, एंड देर इज द पैसे, इफ द सपोज 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे आर इन रेशियो 2:3:5, देन फाइंड आउट नंबर ऑफ क्वाइंस, नंबर ऑफ पैसा ऑफ द 25 का निकालना है। ओवरऑल आपको थिंकिंग ये करना है, दिमाग आपको ये लगाना है, जब इस तरह से पोजिशन होते हैं
तो ऑब्वियसली क्या करना है, आप लॉन्ग में जाइए शॉर्ट में जाइए, उसको जल्द से जल्द सॉल्व करिए, बढ़िया रहेगा। तो देखिए यदि मैं इस क्वेश्चन को समझता हूँ और आप यहाँ पे ये समझेंगे, यदि यहाँ पे टू है तो यहाँ पे टू एक्स ले लीजिए, थ्री एक्स ले लीजिए और फाइव एक्स ले लीजिए। रेशियो हमेशा जितने भी आप आज तक चाहे फिजिक्स में चाहे मैथमेटिक्स में केमिस्ट्री में भी कभी कभी रेशियो जब रहे तो अपने तरफ से कोई एक्स वाई जेड अपने तरफ से सपोज कर लेते हैं, ठीक है इतना हो गया। अब देखिए 50 पैसे वाला का, 50 पैसे वाले की कितना दो, तो यहाँ पे 50 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप सीधे यहाँ पे 100 ले सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए यानी आप इसको चाहें तो ए बी सी सपोज कर सकते हैं, कुछ इससे पहले जो दो तीन क्वेश्चन पहले लगा था इस टाइप का, ठीक इतना हो गया। बी वाला मीन्स 3 है, इसमें कितने से मल्टीप्लाई होना चाहिए आपका, यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, कितना आपका 25 हो गया। और इस वाले के कितने हैं, सी वाले के लिए कितना है 10 है, ये ना ए बी सी हो गया। और इन्हीं तीनों का जो पैसे हैं, इन पैसों का रेशियो जो मिला के 90 रुपये है, यानी इसका सम आप रहा होगा तभी ना, यहाँ पे इतना हो गया इक्वल टू आपका 90 रुपया। तो ये होगा 50 गुना आपका 100, पैसे मार जाइए यहाँ पे आपका 25 75 75 और यहाँ पे 10 25 50, ठीक है 50 हो जाएगा, यस इक्वल टू यहाँ पे 90 रुपया, या फिर पैसे में और या फिर रुपीज में, ठीक। तब सोचिए इसको ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा, 175 और 25 50, कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा सीधे आप यहाँ सिंपल से लिख दीजिए 225 x इक्वल टू आपका यहाँ पे 90 रुपया। तो रुपया को हम चेंज कर देते हैं, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो देखिए इसको हम कट करते हैं यहाँ से, चलिए 25 चौका 100 और यहाँ पे 25 9 225 हो जाएगा, और फिर 9 1 9 और यहाँ पर आपका ऐसे हो जाएगा x इक्वल टू 10 4 40, दिमाग लगे 40 और 40। तब सोचिए कि यहाँ पे क्या कर रहा है, 25 सिक्कों की संख्या नंबर ऑफ दैट 25 क्वार्ट्स, तो 40 की मल्टीप्लाई यानी 25 वाला कौन है, बी वाला है, इसमें लगा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका ही चल रहा था ना, कितना आ जाएगा यहाँ पे 30, ठीक है यहाँ पे 3 × 40 यानी कितना आ जाएगा 120, ठीक यानी वहाँ पे कुल कितने नंबर रहा होगा 120 वाला, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपके, यहाँ पे 25 से नहीं मल्टीप्लाई करना होगा, सही एक्स को जो वाले उसे मल्टीप्लाई करना, ठीक। आप ये दिमाग इसमें ऐसा नहीं लगेंगे सर, 25 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ ध्यान से, तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो बताइए ये इस पे भी रेशियो बन जाते हैं आपके, पैसों पे बन जाते हैं, पार्ट आप पे बन जाते हैं, आप किस पे ना रेशियो आप लगा सकते हैं, जमीन जायदाद पहाड़ी वाहन सब पे आप रेशियो लेकर चल सकते हैं। एक दो क्वेश्चन जरूर टिक आएगा आपकी यूपीटी में, तो ओवरऑल थिंकिंग आपका सही होना चाहिए, सही दिशा होना चाहिए, सही प्रैक्टिस होना चाहिए, तो यू कैन डू बेटर, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लगा सकते हैं, आप बढ़िया कर पाएंगे। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये भी आपके रेशियो पे है, ढूंढ ढूंढ के जो क्वेश्चन आपके लिए लगाए जा रहे हैं लेके आए जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है और बढ़िया से बढ़िया कर ले जाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, एक थैले में 90 रुपये के सिक्के हैं, 90 रुपये के सिक्के हैं, यदि 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, रेशियो 2:3:5 के अनुपात में हैं, तो थैले में 25 सिक्कों की संख्या कितनी होगी, यह आपको निकालना, ठीक है।
Your question is the saying that in the A pocket है which have that 90 rupees of the funds, ठीक है, and there is the पैसे, if the suppose 50 पैसे, 25 पैसे and 10 पैसे are in ratio 2:3:5, then find out number of coins, number of पैसा आपका 25 का निकालना है. ओवरऑल आपको थिंकिंग ये करना है, दिमाग का आपको ये लगाना है. जब इस तरह से क्वेश्चन होते हैं तो ऑब्वियसली क्या करना है, आप लॉन्ग में जाइए, शॉर्ट में जाइए, उसको जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे, बढ़िया रहेगा. तो देखिए, यदि मैं इस क्वेश्चन को समझता हूँ और आप यहाँ पे ये समझेंगे, यदि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2x ले लीजिए, 3x ले लीजिए और 5x ले लीजिए. रेशियो हमेशा जितने भी आप आज तक चाहे फिजिक्स में, चाहे मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में भी कभी कभी रेशियो जब रहे तो अपने तरफ से कोई एक्स वाई जेड अपने तरफ से सपोज कर लेते हैं, ठीक है, इतना हो गया. अब देखिए 50 पैसे वाला का, 50 पैसे वाले की कितना दो, तो यहाँ पे 50 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप सीधे यहाँ पे 100 ले सकते हैं, ठीक. फिर यहाँ पे देखिए, यानी आप इसको चाहें तो ए बी सी सपोज कर सकते हैं, कुछ इससे पहले जो 2-3 क्वेश्चन पहले लगा था इस टाइप का, ठीक, इतना हो गया. बी वाला मीन्स 3 है, इसमें कितने से मल्टीप्लाई होना चाहिए आपका, यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, कितना आपका 25 हो गया. और इस वाले के कितने हैं, सी वाले के लिए कितना है 10 है, ये ना ए बी सी हो गया. और इन्हीं तीनों का जो पैसे हैं, इन्हीं पैसों का रेशियो जो मिला के 90 रुपये है, यानी इसका सम आप रहा होगा तभी ना, यहाँ पे इतना हो गया इक्वल टू आपका 90 रुपया. तो ये होगा 50 गुना आपका 100, पैसे मार जाइए, यहाँ पे आपका 25 75 75 और यहाँ पे 10 5 50, ठीक है, 50 हो जाएगा, यस, इक्वल टू यहाँ पे 90 रुपया, या फिर पैसे में और या फिर रुपीज में, ठीक. तब सोचिए इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 175 और 50 कितना हो जाएगा, आपने ये हो जाएगा सीधे, आप यहाँ पे सिंपल से लिख दीजिए 225x इक्वल टू आपका यहाँ पे 90 रुपया. तो रुपया को हम चेंज कर देते हैं, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक. तो देखिए इसको हम कट करते हैं यहाँ से, चलिए 25 चौका 100 और यहाँ पे 25 9 225 हो जाएगा, और फिर 9 1 9 और यहाँ पर आपका कैसे हो जाएगा, x इक्वल टू 10 4 40, दिमाग लगे 40 और 40. तब सोचिए कि यहाँ पे क्या कर रहा है, 25 सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ दैट 25 क्वाइंस, तो 40 की मल्टीप्लाई यानी 25 वाला कौन है, बी वाला है, इसमें लगा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका ही चल रहा था ना, कितना आ जाएगा यहाँ पे 30, ठीक है, यहाँ पे 3 × 40 यानी कितना आ जाएगा 120, ठीक, यानी वहाँ पे कुल कितने नंबर रहा होगा 120 वाला, ठीक है. तो ये चीजें हैं, यहाँ पे 25 से नहीं मल्टीप्लाई करना, बस x के जो वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करना, ठीक. आप ये दिमाग इसमें ऐसा नहीं लगाएंगे, सर 25 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ा ध्यान से, ठीक है. तो ये चीजें हैं, तो बताइए ये इस पे भी रेशियो बन जाते हैं आपके, पैसों पे बन जाते हैं, पार्ट आप पे बन जाते हैं, आप किस पे ना रेशियो आप लगा सकते हैं, जमीन जायदाद पहाड़ी वाहन सब पे आप रेशियो लेकर चल सकते हैं. एक दो क्वेश्चन जरूर टिक आएगा आपकी यूपीटी में, तो ओवरऑल थिंकिंग आपका सही होना चाहिए, सही दिशा होना चाहिए, सही प्रैक्टिस होना चाहिए, तो यू कैन डू बेटर, ठीक है, ठीक है. तो ये इस तरह से आप लगा सकते हैं, आप बढ़िया कर पाएंगे.
देखिए एक और बीच टाइप का क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन आपको एक बार प्रैक्टिस करा दिया जा रहा है ताकि आप बढ़िया से बढ़िया कर सकें, ठीक है। इसके लिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड भी करा दिया जाएगा, उसको भी यहाँ से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या करे, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर, दो अंकों की संख्या एक अंकों के एक संख्या के अंकों का अंतर चार है, ठीक है। दाहिनी और इकाई अंकों का अनुपात 1:3 है, तो अंकों का योग है। मीन्स देयर इज द सम ऑफ दैट, व्हाट इज द नंबर, सम ऑफ नंबर, इफ देयर इज द रेशियो ऑफ द 10 एंड यूनिट इज 1:3 एंड ऑल्सो देयर द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 4, राइट। दो अंकों की संख्याओं का अंतर, माना कि मान लीजिए पहला अंक, ऐसे लिखेंगे फर्स्ट नंबर पहला अंक, मैंने सपोज किया क्या है यक्स है, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा, पहला अंक ऐसा है तो दूसरा ऐसे हम लोग लिखते हैं, सेकंड नंबर विल बी अंतर चार है, ठीक है। यानी वहां पर आप क्या लिखेंगे कि यस, ऐसे केस में वहां पे चार माइनस, तभी तो दूसरा पता कर पाएंगे। जैसे आप ऐसे लिखते हैं ना, दो अलग अलग डिफरेंस करते थे ऐसे लिखते थे चार, तो दूसरा मान यही है ना, आप इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, ठीक। तो आप ऐसे ले सकते हैं यस भाई कि आप यहाँ एक्स माइनस चार इक्वल टू वाई हो जाएगा, हमने चार माइनस एक्स लिखा, तो ध्यान से समझा गया क्यों ऐसा करा कि दहाई और इकाई के अंकों का अंतर, दहाई और इकाई अंकों का अंतर। और कहीं कहीं आप ऐसे भी क्वेश्चन पढ़ते हैं इकाई दहाई को आपस में बदल देते हैं, जब बदल दिया जाता था तो वहां पे टेंस मल्टीप्लाई कर देते थे, उसकी बात अलग है, लेकिन यहाँ पर आप ऐसे समझिए दहाई और इकाई के अंकों का अनुपात, बदलने की बात नहीं कर रहा, अंकों का अनुपात 1:3 है, दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहले एक संख्या निकालना, दूसरे तो निकाल ही लेंगे। तो आप सोचिए कि यहाँ पर आपका क्या दे रखा है कि पहला फर्स्ट है आपका यस फर्स्ट डिजिट, यानी पहला अंक आप हिंदी में लिख दीजिए, पहला अंक आपका कितना जाएगा यस, तो सेकेंड वाला कितना जाएगा सेकेंड डिजिट का 3x, इन्हीं का समाप्त करना, 3x4 आएगा। लेकिन यहाँ पे कैसे आएगा ये चीज देखना, कि पहले x की रियल की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं कितना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम यही चीज लिख सकते हैं, योग की बात कर रहा है तो योग इसमें भी होना चाहिए, ठीक है। तो चार अब यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस ये कितना जाएगा आपका 4x माइनस x इक्वल टू दैट मीन्स 3x हो गया, कंफर्म। यहाँ से भी वही चीज आप यहाँ से भी ऐसे लिखिए, रेशियो के बेस पे ही चले तब भी इतना हो गया। अब यहाँ क्या करें कि आपका योग निकालना है, योग कितना होगा, अंतर चार दिया था चार यहाँ निकले गया, ठीक है। तो चलिए ये आपका जब बदला जा रहा है तो कितना आएगा, तो यदि आप यह लिख सकते हैं ना कि यस जब बदल रहे हैं ये जो है दाएं का स्थान इकाई में आ जा रहा है, तो यानी एक इधर का और एक इधर का, ठीक। यहाँ पर कितना चार, तो यहाँ पे 2x ये 2 हो जाएगा कट जाएगा, तो यानी आप ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 हो गया, x इक्वल टू 2 हो गया। और जब 2 हो गया तो आप ये लगा रख लीजिए, यहाँ पर रख दीजिए 2 और यहाँ पर रख दीजिए आपका 2 3 6, और दोनों को ऐड कर लीजिए, अंकों का योग पूछ रहा है, तो 6 2 कितना हो जाएगा आपका 8, ठीक है। x प्लस 3x ऐसे नहीं होगा समा, तो यह हो जाएगा 4x, x का मान हम लोग निकाले 2, तो 4 गुना 8, ठीक। यही आपके लिए एकदम बेटर है कि यस कैसे क्वेश्चन को समझना, कहाँ पे कैसे ले चलेंगे। तो ठीक है, 3-4 क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, लेकिन रियलिटी आपका रेशियो का हो जा रहा है,
देखिए एक और बीच टाइप का क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन आपको एक बार प्रैक्टिस करा दिया जा रहा है ताकि आप बढ़िया से बढ़िया कर सकें, ठीक है। इसके लिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड भी करा दिया जाएगा, उसको भी यहाँ से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या करें, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर, दो अंकों की संख्या एक अंकों के एक संख्या के अंकों का अंतर चार है, ठीक है। दाहिनी और इकाई अंकों का अनुपात 1:3 है, तो अंकों का योग है, मींस देयर इज द सम ऑफ दैट, व्हाट इज द नंबर, सम ऑफ नंबर इफ देयर इज द रेशियो ऑफ द 10 एंड यूनिट इज 1:3 एंड आल्सो देयर द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 4, राइट। दो अंकों की संख्याओं का अंतर, माना कि मान लीजिए पहला अंक ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट नंबर पहला अंक मैंने सपोज किया क्या है, यस है, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा, पहला अंक ऐसा है तो दूसरा ऐसे हम लोग लिखते हैं, सेकंड नंबर विल बी अंतर चार है, ठीक है। यानी वहां पर क्या लिखेंगे कि यस, ऐसे केस में वहां पर चार माइनस, तभी तो दूसरा पता कर पाएंगे। जैसे आप ऐसे लिखते हैं ना, दो अलग अलग डिफरेंस करते थे ऐसे लिखते थे चार, तो दूसरा मान यही है ना कि आप इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, ठीक। तो आप ऐसे ले सकते हैं यस भाई कि आप यहाँ x माइनस चार इक्वल टू वाई हो जाएगा, हमने चार माइनस एक्स लिखा, तो ध्यान से समझा गया क्यों ऐसा कह रहा कि दहाई और इकाई के अंकों का अंतर, दहाई और इकाई अंकों का अंतर। और कहीं कहीं आप ऐसे भी क्वेश्चन पढ़ते हैं इकाई दहाई को आपस में बदल देते हैं, जब बदल दिया जाता था तो वहाँ पे टेंस मल्टीप्लाई कर देते थे, उसकी बात अलग है, लेकिन यहाँ पर आप ऐसे समझिए दहाई और इकाई के अंकों का अनुपात, बदलने की बात नहीं कर रहा, अंकों का अनुपात 1:3 है, दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, पहले एक संख्या निकालना दूसरे को निकाल लीजिए। तो आप सोचिए कि यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, पहला फर्स्ट आप यस फर्स्ट डिजिट यानी पहला अंक आप हिंदी में लिख दीजिए, पहला अंक आपका कितना जाएगा यस, तो सेकंड वाला कितना जाएगा सेकंड डिजिट का 3 यस, इन्हीं का समाप्त करना 3 4 है, लेकिन यहाँ पे कैसे आएगा ये चीज देखना, पहले यस की रियलिटी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं कितना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ भी हम ये चीज लिख सकते हैं, योग की बात कर रहा है तो योग इसमें भी होना चाहिए, ठीक है। तो चार अब यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस ये कितना जगह आपका 4x माइनस x इक्वल टू डेट मीन्स 3x हो गया, कंफर्म। यहाँ से भी वही चीज आप यहाँ से भी ऐसे लिखिए, रेशियो के बेस पे चले तब भी इतना हो गया। अब यहाँ क्या करें कि आपका योग निकालना है, योग कितना होगा, अंतर चार दिया था चार यहाँ निकले गया, ठीक है। तो चलिए ये आपका जब बदला जा रहा है तो कितना आएगा, तो यदि आप यह लिख सकते हैं ना कि यस जब बदल रहे हैं ये जो है दाएं का स्थान इकाई में आ जा रहा है, तो यानी एक इधर का और एक इधर का, ठीक। यहाँ पर कितना चार, तो यहाँ पे 2x ये 2 हो जाएगा कट जाएगा, तो यानी आप ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 आ गया, x इक्वल टू 2 हो गया। और जब 2 हो गया तो आप ये अलग रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए 2 और यहाँ पर रख दीजिए आपका 2 3 6, और दोनों बैठ कर लीजिए अंकों का योग पूछ रहा है, तो 6 2 कितना हो जाएगा आपका 8, ठीक है। x प्लस 3x ऐसे नहीं होगा समान, तो ये हो जाएगा 4x, x समान हम लोग निकाले 2 तो 4 9 8, ठीक। यही आपके लिए एकदम बेटर है कि यस कैसे क्वेश्चन को समझना, कहाँ पे कैसे लेकर चलेंगे,
तीन चार क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, लेकिन रियलिटी आपका रेशियो का हो जा रहा है। ठीक, चलिए आगे।